माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम सबके मन में एक सवाल है कि क्या पतंजलि की कोई ऐसी मेडिसिन भी आती है जो मेल ऑर्गन में इरेक्शन को इम्प्रूव कर सके? तो डरने की कोई बात नहीं है। इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज की वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है और उम्मीद करती हूँ आपके इस सवाल का जवाब आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आपको पता ही है पतंजलि एक बहुत ही प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक कंपनी है जो योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा संचालित है। पिछले कुछ वर्षों में इस कंपनी ने न केवल भारत बल्कि वर्ल्ड वाइड ख्याति प्राप्त की है और इसका मेन रीज़न है कि ये कंपनी प्राचीन भारतीय शास्त्रीय योगों के आधार पर आयुर्वेदिक दवाएं बहुत सस्ते दामों में प्रिपेयर करती है और गांव-गांव तक जनमानस को आयुर्वेद के प्रति जागृत भी इस कंपनी ने किया है। बाबा रामदेव ने शुरू से ही ये कोशिश की है कि किफ़ायती दामों में लोगों को उपयुक्त आयुर्वेदिक औषधियाँ मिल सकें। फ्रेंड्स, पतंजलि ने शरीर के हर विकार के लिए दवा प्रिपेयर करने की कोशिश की है, साथ ही बड़े लेवल पर और हर घर में अपनी पैठ बनाने की भी कोशिश इस कंपनी ने पुरजोर की है। ये बात सभी जानते हैं कि आजकल के दौर में हर घर में किसी ना किसी तरह का रोग मौजूद रहता है और स्वामी रामदेव ने इसी बात के मद्देनज़र हर बीमारी के लिए दवा बनाने का प्रयास पतंजलि के अंतर्गत किया ही है। मेल सेक्स प्रॉब्लम्स और वाजीकरण के लिए पतंजलि के बैनर तले आयुर्वेदिक औषधियों की एक संपूर्ण रेंज उपलब्ध है, चाहे शीघ्र पतन हो, लिंग में तनाव की कमी, धात वीर्य संबंधी प्रॉब्लम्स या फिर यौन इच्छा की कमी, सभी रोगों के लिए पतंजलि ने विभिन्न प्रकार की दवाएं बनाई हैं। अक्षशिला, कौच पाक, मूसली पाक, यौवन चूर्ण, यौवन मृतवटी, पतंजलि शुद्ध शिलाजीत जैसी दवाएं पुरुषों में सभी तरह की मर्दाना कमजोरी दूर करने में सहायक हैं। अब आता है हम सबके मन में मौजूद एक कॉमन सवाल, डज पतंजलि ऑफर सच अ रेमेडी दैट कैन मेक इरेक्शन बेटर? तो गाइस, मैं आपको बता दूं, मार्केट में कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, खास तौर से विदेशी प्रोडक्ट्स, जिनका दावा है कि उनको खाने या उनकी मसाज से मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन की लंबाई बढ़ती है, जैसे हैमर ऑफ थॉर, कैपिटल पी कैप्सूल्स, कामसूत्रा गोल्ड कैप्सूल एटसेट्रा। कुछ तेल भी हैं जिनको लगाने से लेंथ इंक्रीज होती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या पतंजलि का भी कोई ऐसा आयुर्वेदिक कैप्सूल या तेल की किट है जिसको लगाकर और खाकर मेल ऑर्गन का आकार बढ़ाया जा सकता है? वॉट इन फैक्ट रेफर्स टू इंक्रीज इन लेंथ एंड गर्थ? डज इट रेफर्स टू फ्लैसिड साइज? No, it doesn't belong to penis size being in normal state, but it refers to the size when a male is sexually aroused and his organ has drawn more and more blood inside corpora cavernosa. फ्रेंड्स, मेल ऑर्गन की लंबाई बढ़ने से यहाँ मतलब उत्तेजना के समय उसकी लंबाई बढ़ने से है, ना कि शिथिल अवस्था में। जब पुरुष अंग छोटा और ढीला होता है तो वो सिकुड़कर एक इंच से भी कम हो सकता है और कुछ पुरुष इस बात से घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि उनका अंग छोटा होता जा रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि मेल ऑर्गन का वास्तविक आकार उत्तेजना के समय होता है और उत्तेजना के समय ये अपने शिथिल आकार की तुलना में 6 से 7 गुना तक बढ़ सकता है। अगर लिंग शिथिल अवस्था में 1 इंच ही क्यों ना हो, उत्तेजना के समय बढ़कर 6 से 7 इंच तक भी हो सकता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपके लिंग में ब्लड सर्कुलेशन कितना अच्छा हो रहा है। गाइज, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि पतंजलि की कोई ऐसी दवा है जो लिंग में रक्त संचरण बढ़ाती है। देखिए दोस्तों, दिव्य पतंजलि की कोई भी दवा, चाहे वो तेल हो या खाने की कोई दवा, ऐसा दावा नहीं करती कि उसका इस्तेमाल करने से तनाव के समय मेल ऑर्गन साइज में बढ़ता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स जो पौरुष दुर्बलता दूर करने के लिए बनाए गए हैं, जैसे अश्वशिला कैप्सूल्स, दिव्य यौवन मृतवटी, दिव्य यौवन मृत चूर्ण, दिव्य शिलाजीत, लिंग में तनाव वृद्धि का दावा ये ज़रूर करते हैं। और अगर कोई दवा लिंग में तनाव वृद्धि करती है तो वो कहीं ना कहीं कम या ज़्यादा मेल ऑर्गन की लेंथ और गर्थ ही है, हालांकि ये केवल उत्तेजना के समय ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर दिव्य पतंजलि की कौन सी दवा लिंग में तनाव वृद्धि के लिए सबसे अधिक बेनिफिशियल साबित हो सकती है? देखिए गाइज, दिव्य शिलाजीत, दिव्य यौवन मृतवटी, अश्वशिला और यौवन चूर्ण का उपयुक्त मात्रा में सेवन करने से लिंग में तनाव वृद्धि हो सकती है, लेकिन मेरी सलाह है कि आपको ये दवाएँ किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी चाहिए। गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई एम श्योर आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, आपके सवालों का जवाब आपको मिला होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब जब वीडियो अच्छी लगती है तो क्या करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होता है, और मुझे पूरा यकीन है मेरे व्यूअर्स मेरे लिए लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं नया टॉपिक कवर करूँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।